Hello, what's up guys? This is Sandy and welcome back to my YouTube channel Digital Diaries TD. और उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बेंगलोर पैलेस में घुमाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और एक्सप्लोर करते हैं बेंगलोर पैलेस को। आप जो आउटसाइड व्यू है बेंगलोर पैलेस का देख सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए मुझे मेरे रूम से लगभग एक घंटा लगा है और अभी चलते हैं एंट्रेंस के लिए। ये आप एंट्रेंस डोर देख सकते हैं। यहाँ आके आपको जो अपना पेमेंट प्रोसेस है वो कम्प्लीट करना है और अपनी टिकट कलेक्ट करनी है। टिकट कलेक्ट करने के बाद आपको टिकट के हिसाब से आपको हैंड स्टैम्प दिया जाएगा। पैलेस के अंदर एंटर करते ही एक दरबार है जो जनरल पब्लिक के लिए था। इसमें जो जनरल पब्लिक थी वो आके वेट करती थी या बैठती थी। इसके बाद थोड़ा और आगे चलने के बाद आप यहाँ पे अपना ऑडियो गाइड है जो वो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये ऑडियो गाइड अवेलेबल रहेगा। और ऑडियो गाइड के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना है। जस्ट आपको अपनी कोई भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ यहाँ पर सबमिट करना है और अपनी चॉइस के हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। ये ऑडियो गाइड आपको सिर्फ एक घंटे के लिए ही मिलेगा और फिर आपको इसे ऑडियो गाइड को यही रिटर्न करके अपनी आईडी वापस लेनी होगी। ऑडियो गाइड में जब आपको दिया जाता है तो उस टाइम पे आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें पूरे हॉल में या बेंगलोर पैलेस में जगह जगह पे छोटे साइन बोर्ड दिए हुए हैं जिन पे एक नंबर लिखा हुआ है। जब भी आप उस पर्टिकुलर नंबर के सामने जाते हो तो आपको सेम नंबर आपके जो ऑडियो गाइड में टाइप करके और उसको प्ले करना है। तो आपको उस पर्टिकुलर नंबर के सामने जो चीज़ें हैं या आसपास जो चीज़ है उसके बारे में पूरा ब्रीफली जो है उस ऑडियो गाइड के द्वारा बताया जाएगा और उसमें आप सुन सकते हैं। ये जो बेंगलोर पैलेस है वो रॉयल वाडियार फैमिली द्वारा बनवाया गया था। इसका जो निर्माण कार्य है 1874 में शुरू हुआ था और 1878 में यह पैलेस बनकर तैयार हो गया था। यह पैलेस 45,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। ये अभी हम दरबार हॉल में हैं। यहाँ अभी ये कोविड के कारण से ये क्लोज्ड है। यहाँ पर राजा सभा को संबोधित करते थे और यह एक, अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक गलियारा है जहाँ महल की औरतें पर्दे के पीछे बैठकर सभा की कार्रवाई देखती थी ताकि उनको राज्य कार्य के बारे में पता चल सके। इस पैलेस में लगभग 30,000 तस्वीरों का संग्रह भी मौजूद है। इसी कारण जो इसे इतिहास प्रेमियों के लिए बेहद खास बनाता है। इसके फर्नीचर में एडवर्डियन और नवशास्त्रीय दोनों थीम है। महल क्रॉस सांस्कृतिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है जिसमें
मुख्य रूप से ट्यूडर और स्कॉटिश शैलियों के बावजूद दरबार हॉल में एक स्पेनिश बेंच भी है जो विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस महल में लगभग 35 कमरे हैं। बैंगलोर पैलेस में वोडियार रॉयल फैमिली ने लंबे समय तक टाइम स्पेंड किया है। बैंगलोर पैलेस में 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चित्रों को भी देखा जा सकता है और इसमें भारत के प्रसिद्ध चित्रकार रवि वर्मा का काम भी शामिल है। इस महल को इतनी सुंदरता और मेहनत से तैयार किया गया है कि आप इसकी खूबसूरती और सुंदर नक्काशी को निहारते ही रहेंगे। पैलेस की छत को चित्रों से सजाया गया है और यहाँ पर आप कुछ एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स देख सकते हैं जो बिल्कुल ही ओरिजिनल हैं और ये राजाओं के शौक होते थे कि वे जानवरों के ऐसे पार्ट्स को अपने महल में रखें, उनका कुछ अलग ही था। हालांकि ये चीज़ गलत है। ये अगेन आप देख सकते हैं कि हाथी के पाँव को कैसे रखा हुआ है स्टूल बना के, इट्स नॉट गुड। देखिए बेंगलोर पैलेस के ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत ही सुंदर सा और छोटा सा पार्क है और ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर अपने आप फोटोज़ वगैरह और क्लिक कर सकते हैं अपने स्टोरीज़ के लिए और बहुत ही अच्छी जगह है। दोस्तों शायद आपको पता ना हो कि यह पैलेस 2005 तक पब्लिक के लिए ओपन नहीं था। इसे 2005 के बाद ही टूरिस्ट प्लेस के लिए खोला गया है। कर्नाटक सरकार ने इस पैलेस को व्यावसायिक रूप से तब प्रयोग करने की परमिशन नहीं दी थी। पैलेस के ग्राउंड फ्लोर पर एक और अच्छी जगह है। इस स्पॉट पर आकर आप फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप फोटोज़ ले सकते हो और अगर आप प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग शूट करना चाहें तो उसके लिए भी यह जो जगह है वो बहुत अच्छी है। इसमें आपको चारों तरफ एक जो स्टैचूज़ हैं वो बहुत ही पुराने हैं और एकदम यूनिक हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। और इस पार्क में एक बेंच बना हुआ है जो फ्लोरोसेंट ब्लू सेरेमिक टाइल से बनाया गया है और इसका जो कलर है ब्लू बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर आपको यूनिक पीस जो स्टैचूज हैं वो देखने को मिल रहे हैं और सामने जो आप फोटो देख रहे हो वो मैसूर के महाराजा की है।
और ये जो रूम बनाया गया है इसमें जो रॉयल फैमिली द्वारा जो कपड़े उस टाइम पे डाले जाते थे उसको रिस्टोर करके रखा गया है। और ये कुछ जैसे राजाओं के शौक होते थे गेम खेलने के लिए, और उनकी ट्रॉफीज वगैरह हैं जो अभी भी रिस्टोर की गई हैं। और दोस्तों हमारा जो विज़िट था अंदर का वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको अंदर घूम के अच्छा लगा होगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो आउटसाइड ब्यूटी है इस पैलेस की वो कितनी अच्छी है। जो हाफ वॉल्स हैं वो एकदम ग्रीन है, इसके ऊपर एक बेल है, आई डोंट नो कि इस बेल का नाम क्या है, बट ये जो इसको एक लुक दे रही है डिफरेंट, दैट्स अमेजिंग। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और आप इसके आसपास देख सकते हो बहुत लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, एक्सप्लोर करने आते हैं इस जगह को। और बेंगलोर पैलेस एक हरे भरे गार्डन के अंदर में है। इस महल के चारों ओर गार्डन है, और जो इसकी हिस्ट्री रही है, यहाँ पर बहुत से सांस्कृतिक प्रोग्राम अपनी मेज़बानी कर चुके हैं, जिसमें बैकस्ट्रीट बॉयज, डॉन मॉइन, मेटालिका जैसी कई इंटरनेशनल हस्तियों ने यहाँ पर अपना जादू बिखेरा है। और कुछ हिंदी फिल्मों की शूटिंग के दौरान भी इस पैलेस को यूज़ किया गया था, जैसा कि जो जीता वही सिकंदर, कूली और बरसात। वर्तमान में अभी जो प्रेजेंट में इस पैलेस की जो ओनर हैं श्रीमती देवी वाडियार हैं। अब ये पैलेस मैसूर शाही परिवार के स्वामित्व में है, जिसे 2005 में एक टूरिस्ट प्लेस में घोषित कर दिया गया और जनता के लिए खोल दिया गया। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी सपोर्ट हमें मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।